हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम फ्यूल। आई एम असद खान एंड आई विल टीच यू द ज्योग्राफी सेक्शन। द आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास अबाउट द इंडिया लोकेशन एंड एक्सटेंशन। एज यू नो, इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड रीजन। ठीक है, द लेटिट्यूड ऑफ इंडिया आई टोल्ड यू एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। नाउ इन दिस चैप्टर, इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, what is a natural vegetation? Natural vegetation means any plant community which grow in any area for a long time period is called natural vegetation. ठीक है, any plant community which remain undisturbed for a long term time in any region is called natural vegetation. Natural vegetation can be divided into three part. Natural vegetation को हम तीन part में divide करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहला होता है grassland, ठीक है। अब सेकेंड वन होता है श्रब कम्युनिटी, झाड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है। और जो थर्ड वन होता है वो होता है फॉरेस्ट। तो नेचुरल वेजिटेशन को तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। ग्रासलैंड जैसे कि सवाना हो गया, सवाना, प्रेरीज, स्टेपीज ये, और श्रब लैंड जो कि झाड़ी झंकाड़ी होती हैं जो कि एरिड रीजन में उगता है, और तीसरा क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया। फॉरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। इट इज़ अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ यू इन दिस क्लास, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। जो नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड किस पे करता है? नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करता है लेटिट्यूड्स पे, ठीक है, लेटिट्यूडनल पोजिशन और लोकेशन पे, एनी कंट्री के, कोई किसी भी देश के या किसी भी रीजन के। अकॉर्डिंग टू द कोपेन ने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बताया है, तो नेचुरल वेजिटेशन क्लाइमेट पे भी डिपेंड करेगा और लेटिट्यूड पे भी डिपेंड करेगा जनरली। तो देख लीजिए एक बार आप लोग, अर्थ पे ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के बाद आपको पता है ये वाला जो रीजन है 23 डिग्री वाला, दोनों तरफ 23 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ, ये कहलाता है टोरिड जोन, या इसको कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। इसके बाद 23 से 66 वाला ये कहलाता है टेम्परेट एरिया, ठीक है। आप जितना इक्वेटर के पास कोई चीज लोकेटेड है, उतने ही वहां पे बारिश क्या होगी, रेनफॉल क्या होगी, ज्यादा होगी, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा। तो यहां पे क्या होगा, फॉरेस्ट या ट्रीज भी होंगे, वो क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे। ट्रीज भी क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे, और फॉरेस्ट कैसा होगा, डेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे जंगल क्या होंगे, सबसे ज़्यादा घने जंगल यहीं इक्वेटर के पास पाया जाएगा, ब्राज़ील में, इंडोनेशिया में, सब इक्वेटर के पास जितना भी एरिया है वहाँ पे जंगल क्या होते हैं, घने होते हैं, तो डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। उसके ऊपर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ग्रासलैंड ज़्यादा पाया जाता है, और जो ट्रीज़ हैं उनकी ऊँचाई भी कम रहती है, और वो ट्रीज़ क्या रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, ठीक है। इसमें दोनों तरफ इसी तरह से होता है, यहाँ पे ट्रीज़ क्या रहेंगे, स्कैटर्ड रहेंगे और ग्रासलैंड पाया जाएगा। और सबसे ऊपर वाला जो एरिया है जिसको फ्रिस्ट जोन कहा जाता है, अबाउ 66.5 डिग्री, 66 आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल के ऊपर वाला जो रीजन है यह कहलाता है फ्रिस्ट जोन। और फ्रिस्ट जोन में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे मोजेस एंड लाइकन, कवक और सेवाल पाए जाते हैं, और छोटी मोटी घासें पाई जा सकती हैं। इस तरह से पूरा नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है। तो जहाँ पे बारिश प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे पेड़ पौधे क्या होंगे, बड़े होंगे, लंबे होंगे, और जंगल कैसे होंगे, घने होंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप के होंगे। और जहाँ पे बारिश कम होगी वहाँ पे डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट होंगे, जो कि अपनी पत्तियाँ ड्रायर सीजन में क्या कर देंगे, झाड़ देंगे, दे विल सेट देयर लीव इन द ड्राई सीजन, ठीक है। तो उसके बाद घासें कहाँ पर होंगे, टेम्परेट रीजन में घासें होंगे, ठीक है। उसके ऊपर जो फ्रिस्ट एरिया है बिफोर अबव द 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री के ऊपर जो फ्रिस्ड जोन है, इसमें मोजेस और लाइकन या छोटी छोटी घास, काई, कवक और सहवाल पाए जाएंगे यहाँ पे। तो दीज आर अबाउट द ग्रास लैंड फॉरेस्ट, एंड इट डिपेंड द फॉरेस्ट टाइप, द श्रब एंड द ग्रास लैंड, नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड अपॉन द प्रेसिपिटेशन एंड द क्लाइमेट, ठीक है। द लोकेशन ऑफ एन एरिया, के लोकेशन कहाँ पर है किसी भी एरिया का, और वहाँ पे लोकेशन के अकॉर्डिंग फिर क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, और प्रेसिपिटेशन कितना होता है, उस पर ही डिपेंड करता है कि फॉरेस्ट किस कैटेगरी का कहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है।
जैसे कि इक्वेटर के पास कोई एरिया है तो आपको पता है इक्वेटर पे क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, बारिश ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, उसकी वजह से जो फॉरेस्ट होंगे, जो ट्रीज़ की जो हाइट होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ट्रीज़ कैसे होंगे, जो फॉरेस्ट होंगे वो कैसा होगा, डेंस टाइप का फॉरेस्ट होगा, जबकि अगर थोड़ा सा कम बारिश होगी तो वो क्या होगा, डेसीड्यूस होगा, मतलब वो ड्राई सीजन में अपनी लीव्स क्या, पत्तियों की अगर देगा, झाड़ देगा। अब उससे भी कम, सबसे कम बारिश होगी तो वो श्रब में बदल जाएगा, और थोड़ा मिलीजुली बारिश होगी तो वहाँ पे ग्रास ग्रास लैंड डेवलप होंगे, और स्कैटर्ड ट्री, दूर दूर होंगे ट्री और ग्रास लैंड डेवलप होंगे। मिड लैटिट्यूडनल जो एरिया है अर्थ का, वहाँ पे हमेशा ग्रास लैंड पाए जाते हैं, स्टेपीज, प्रेरीज, तो ये मिड लैटिट्यूडनल एरिया में पाए जाते हैं। नाउ वी विल स्टडी द नेचुरल टाइप्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले टाइप्स की बात करें तो इसमें आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जैसा कि आपको यहां से नाम से ही आप, जैसे मैंने बताया ट्रॉपिकल एरिया में डेंस फॉरेस्ट होता है, तो नाम से ही पता लगा है ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाएगा, और एवरग्रीन हमेशा हरा रहने वाला पेड़, तो इनको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाएगा। इनकी हाइट अप टू 60 मीटर तक हो जाती है, एवरेज हाइट इनकी 60 मीटर या उससे 70 मीटर 80 मीटर तक भी इनकी हाइट हो सकती है। ये काफ़ी डेंस होते हैं, इसमें जो फॉरेस्ट होता है वो काफ़ी डेंस होता है, ट्रीज़ के क्या, ट्रीज़ के ऊपर क्या आपको श्रब मिल जाएगा ट्रीज़ के आसपास, और छोटी घासें भी ट्रीज़ के आसपास उगी हुई दिख जाएंगी। और ये क्या हायरार्की फॉलो करते हैं, हायरार्की का मतलब है सबसे पहले छोटे ट्रीज दिखेंगे पास में, उसके बाद आप दूर जाओगे तो और बड़े ट्रीज दिखेंगे, और उस जब बीच में जंगल में आप पहुंच जाओगे तो ऊंचे ऊंचे ट्रीज दिखेंगे। और मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि अप टू 60 मीटर इनकी एवरेज हाइट रहती है, ठीक है, एवरेज हाइट इनकी क्या रहती है, 60 मीटर तक रहती है। अब बात करें कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज़ कहाँ पे होते हैं, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज़ के लिए रेनफॉल कितना होना चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए मोर देन 200 सेंटीमीटर। इफ़ द रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर देन इन इन एट एरिया द फॉरेस्ट विल बी द ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप्स का वहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाएगा, ठीक है। और एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, टेम्परेचर हम भी यहाँ पे क्या रहता है, हाई रहता है, और टेम्परेचर रहेगा एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा यहाँ पर, 22 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। अब बात करें कि इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इंडिया की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जनरल बात कर लेते हैं हम लोग, इंडिया में द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन इंडिया फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है मैं बताता हूँ, ये एक तो पाया जाएगा वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, यहाँ इस जगह पे पाया जाएगा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, केरला कर्नाटका इधर की तरफ पाया जाएगा। दूसरा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा अंडमान एंड निकोबार एरिया में। तीसरा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा इधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। तो इंडिया में तीन ही जगह हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। मैंने बताया रेनफॉल इसमें होती है मोर देन 200 सेंटीमीटर, और एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। और इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन थ्री लोकेशन, इन द वेस्टर्न घाट, एट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, एंड द अंडमान एंड निकोबार एरिया। तीन जगह पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा। अब व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, रोजवुड, मोहगनी, एनी एंड एबोनी, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप ऑफ द फॉरेस्ट, रोजवुड, मोहगनी, एनी एंड एबोनी, दीज आर ऑल अबाउट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मैंने बताया बड़े बड़े पेड़ होंगे, 60 मीटर से ज़्यादा एवरेज हाइट रहेगी, ठीक है। हायरार्की फॉलो करेंगे, सबसे पहले छोटे पेड़, उसके बाद बड़े पेड़, और बीच में जाएंगे तो बड़े पेड़ आते जाएंगे, इस तरह से रहेगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया कहाँ जाएगा, नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास पाया जाएगा, जहाँ रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, और टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहना चाहिए। इंडिया में किन जगह पाया जाएगा, वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न कोस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, एंड अंडमान निकोबार एरिया में, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रीज आर
रोजवुड, मोहोगनी, एनी एंड आफ्टर दैट एबोनी. दीज आर द फोर एग्जाम्पल ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज. ओके, नाउ वी विल मूव टू द ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस फॉरेस्ट. ठीक है, द सेकेंड कैटेगरी ऑफ इंडिया, द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इज ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाएगा? जहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन से थोड़ा कम बारिश होगी वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस फॉरेस्ट पाएगा. जैसा कि क्लियर है, ठीक है, एवरग्रीन कहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ एवरग्रीन, और उससे थोड़ा कम बारिश होगी तो डेसिड्यूअस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाएगा. इंडिया में अगर आपसे पूछेंगे सबसे ज़्यादा एरिया में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस फॉरेस्ट है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है. द ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस फॉरेस्ट इज द वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. तो बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस की. ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस फॉरेस्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं. सबसे पहले एक होता है वेट डेसिड्यूअस. सबसे पहले वेट डेसिड्यूअस, ठीक, और सेकेंड वन हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं ड्राई डेसिड्यूअस. ड्राई डेसिड्यूअस जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वेट डेसिड्यूअस का मतलब कहाँ क्या होगा, जहां ज्यादा बारिश होगी उसको कहेंगे वेट डेसिड्यूअस, और जहां पे थोड़ी कम बारिश होगी वेट डेसिड्यूअस से वो क्या कहलाएगा, ड्राई डेसिड्यूअस कहलाएगा. ठीक है, इट विल आल्सो डिपेंड ऑन द क्लाइमेट और रेनफॉल. ओके, वेट डेसिड्यूअस की बात करें तो रेनफॉल देखें, यहां पे वेट डेसिड्यूअस में रेनफॉल होना चाहिए 70 to 200 सेंटीमीटर, सॉरी 100 to 200 सेंटीमीटर, 100 to 200 सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश होनी चाहिए वेट डेसिड्यूअस के लिए. ठीक है, अब इसमें बात करें टाइप ऑफ द ट्रीज. ट्रीज कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें? टीक, सीसम, साल, महुआ, आमला, सेमल एक्सेट्रा. ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ द ट्रीज फाउंड इन द ट्रॉपिकल वेट डेसिड्यूअस फॉरेस्ट. टीक, सीसम, साल, महुआ, आमला, सेमल एक्सेट्रा. ठीक है, इंडिया में लोकेशन की बात करें कि वेयर द ट्रॉपिकल वेट डेसिड्यूअस फॉरेस्ट विल फाउंड, तो इट विल फाउंड नियर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे खत्म होगा वहाँ पे क्या पाया जाएगा, ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस फॉरेस्ट पाया जाएगा. ठीक है, अब इसमें लोकेशन की बात करते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा वेट डेसिड्यूअस, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. वेट डेसिड्यूअस कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा? तो वेट डेसिड्यूअस की बात करें तो फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, हिमालय के जो फुटहिल्स हैं वहां पे पाया जाएगा. तराई रीजन में फुटहिल्स ऑफ द हिमालय में पाया जाएगा, जो हिमालय की फुटहिल्स है वहाँ पे पाया जाएगा. इसके अलावा कहाँ? उड़ीसा वाले रीजन में पाया जाएगा, उड़ीसा वाले रीजन में पाया जाएगा इस एरिया में. इसके अलावा वेस्टर्न जो घाट है, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न कोस्ट पे ये वेट डेसिड्यूअस फॉरेस्ट पाया जाएगा इस एरिया में. ठीक है, तो आपको पता लग गया कहाँ कहाँ पे ट्रॉपिकल वेट डेसिड्यूअस कहाँ कहाँ पाया जाएगा. वेट डेसिड्यूअस विल फाउंड अलॉन्ग द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय इन द उड़ीसा रीजन. ठीक है, नियर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के रेन फॉरेस्ट के बगल में पाया जाएगा. आफ्टर दैट एट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न कोस्ट पे भी जो फॉरेस्ट पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा? वेट डेसिड्यूअस पाया जाएगा. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द ड्राई डेसिड्यूअस फॉरेस्ट. ड्राई डेसिड्यूअस फॉरेस्ट ड्राई डेसिड्यूअस कहाँ पे पाया जाएगा? जहां पे इससे कम बारिश होगी वहां पे ड्राई डेसिड्यूअस पाया जाएगा. अब ये किसके मार्जिन पे पाया जाएगा? वेट डेसिड्यूअस के मार्जिन पे कौन सा फॉरेस्ट पाया जाएगा? ड्राई डेसिड्यूअस फॉरेस्ट पाया जाएगा. ड्राई डेसिड्यूअस की बात करें तो रेनफॉल, ड्राई डेसिड्यूअस के लिए रेनफॉल कितना होना चाहिए? रेनफॉल शुड बी ऑफ 70 to 100 सेंटीमीटर, 70 to 100 सेंटीमीटर ईयरली. ठीक है, द टाइप ऑफ द ट्रीज, टाइप ऑफ द ट्रीज की बात करें तो इसमें ट्रीज में कौन कौन से आते हैं? ट्रीज ऑफ द ड्राई डेसिड्यूअस फॉरेस्ट आर तेंदू, प्लस, अमलतास,
एंड एक्सलवुड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रीज ऑफ द ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। ठीक है, ये इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाएंगे नदन प्लेन में, पूरा यूपी, बिहार, एमपी, इन एरियाज में। आफ्टर दैट साउथ वाले एरिया में, इन एरिया में कौन से फॉरेस्ट पाए जाएंगे? ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। एंड इट इज अ वाइड, मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये वेट डेसिडस से भी ज्यादा पाए जाते हैं इंडिया में, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। ठीक है, ओके, देन आई वी विल टॉक अबाउट द स्वैम्प फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। द थर्ड कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट इज स्वैम्प फॉरेस्ट, जिनको क्या कहा जाता है? मैंग्रोव भी कहा जाता है, मैंग्रोव और स्वैम्प फॉरेस्ट। ये कहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट या जो स्वैम्प फॉरेस्ट हैं, ये किस एरिया में होते हैं? इट ग्रो इन द वेटलैंड एरिया, वेटलैंड एरिया में ग्रो करते हैं स्वैम्प फॉरेस्ट, स्वैम्प फॉरेस्ट। स्वैम्प फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि टाइडल फॉरेस्ट भी इनको बोला जाता है, जो कि टाइड्स के पास या तो ओशियन के पास, जहां ओशियन का वाटर इनटेक कर जाता है या अंदर अंदर की तरफ आ जाता है लैंड पे, उस वाले एरिया में ये पाए जाते हैं। ठीक है, नियर द बैंक ऑफ द रिवर, रिवर के बैंक के पास ये पाए जाते हैं जनरली। ठीक है, स्वैम्प फॉरेस्ट इंडिया में आपको पता है वेटलैंड जितने भी एरिया हैं, वेटलैंड उनके पास ये पाए जाते हैं। इंडिया में वेटलैंड एरिया है 6,740 स्क्वायर किलोमीटर, इतने एरिया में इंडिया में वेटलैंड एरिया है, जिसको क्या बोला जाता है? मैंग्रोव नाम से भी जाना जाता है। इन ट्रीज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इनको कहते हैं टाइडल फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द क्रीक्स एंड द बैंक ऑफ द रिवर, वेयर द ओशनिक वाटर ऊपर आ जाता है, उसके पास ये पाए जाते हैं। तो इंडिया में देखें कहाँ कहाँ पे मिलते हैं ये वेट स्वैम्प फॉरेस्ट, तो जितनी भी वेटलैंड साइट्स हैं इंडिया में जो कि ओशियन के पास हैं, जहाँ पे जो मेरे जो साल्ट वाटर है वो फ्रेश वाटर से आके मिलता है, वहाँ पे टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइडल फॉरेस्ट इंडिया में या मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इस एरिया में, ये सुंदरवन वाला एरिया है, सुंदरवन एरिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव या वेटलैंड फॉरेस्ट या स्वैम्प फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आफ्टर दैट कच्छ वाले एरिया में पाए जाएंगे, कच्छ के एरिया में पाए जाते हैं, इधर कुछ कम्बात वाले एरिया में पाए जाएंगे। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, इन रिवर्स के जो बैंक हैं यहाँ पे भी टाइडल फॉरेस्ट पाए जाएंगे। केरला के कुछ रीजन में भी टाइडल फॉरेस्ट या स्वैम्प फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, नियर द वेटलैंड। और वेटलैंड में इंडिया में जितना भी वेटलैंड है उसका जो 70% जो वेटलैंड का है वो पेडी कल्टीवेशन के अंडर में आता है। ठीक है, बाकी सारा जो आता है ये इधर कोस्टल वाले रीजन में भी, पेडी में भी इंक्लूड होता है, इसको वेटलैंड बोला जाता है। सुंदरबन वन इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया है। ओके, अब उसके बाद बात करें वेटलैंड्स की, तो वेटलैंड में कुछ वेटलैंड का इंडिया में टोटल जो वेटलैंड साइट हैं वो हैं 27। टोटल वेटलैंड साइट्स हैं वो कितनी हैं? 27। देर आर 27 वेटलैंड साइट्स इन इंडिया। जो दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो हैं लोकटक एंड केवलादेव। ठीक है, लोकटक एंड केवलादेव, ये जो 27 वेटलैंड साइट्स है इनको बोला जाता है रामसर साइट्स, रामसर साइट्स। रामसर इज ए सिटी इन द ईरान, जहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी के नाम पे जितने भी वेटलैंड इंपॉर्टेंट हैं वर्ल्ड में वो किसके अंदर काउंट होते हैं? रामसर साइट्स के अंदर काउंट होते हैं। इंडिया में 27 है। ठीक है, और दो वेरी इंपॉर्टेंट, देर आर टू वेटलैंड साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, लोकटक एंड केवलादेव। इट इज इंक्लूडेड इन द मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर इंक्लूडेड है और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक रामसर साइट है जो पहले वेटलैंड के अंदर इंक्लूड थी, जिसको बाद में रिमूव कर दिया गया, जो कि इंडिया की फर्स्ट वेटलैंड साइट थी, इसका नाम है चिल्का, जो कि उड़ीसा में पाई जाती है। लोकटक के बारे में आपको पता ही है, इट इज़ ए वन ऑफ द ओनली फ्लोटिंग फ्लोटिंग नेशनल, देर इज ओनली वन ऑफ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ इज लोकेटेड। ठीक है, लोकटक मणिपुर में लोकेटेड है, और दुनिया का इंडिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ यहीं पे लोकेटेड है। और केवला देव आपको पता है, जिसको पैराडाइज ऑफ बर्ड्स भी कहते हैं, ये राजस्थान में लोकेटेड है।
ठीक है, दीज आर ऑल अबाउट द स्वैम्प फॉरेस्ट। स्वैम्प फॉरेस्ट आपको पता है, स्वैम्प फॉरेस्ट जो सुंदरवन में जो स्वैम्प फॉरेस्ट है, इट इज़ वेरी फेमस फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है, इसके अलावा क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, और यहाँ बर्ड्स के लिए वेरी फेमस है। इट इज़ वेरी फेमस फॉर द बर्ड्स कम्युनिटी। बर्ड्स की काफ़ी सारी कम्युनिटी यहाँ पे क्या करती हैं, रहती हैं। ठीक है, थीके? तो मैंने आपको बता दिया अबाउट द स्वैम्प फॉरेस्ट, सबसे बड़ा मैंग्रोव है सुंदरवन वर्ल्ड का। उसके अलावा कृष्णा गोदावरी का, गोदावरी कृष्णा कावेरी, इनकी इनके बैंक पे भी मैंग्रोव फॉरेस्ट या स्वैम्प फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आफ्टर कच्छ में भी पाए जाते हैं, ठीक है, उसके खंबात वाले रीजन में भी पाए जाते हैं टाइडल फॉरेस्ट। तो दीज आर ऑल अबाउट द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एरिड फॉरेस्ट। एरिड फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं? ऐसे फॉरेस्ट जो कि एरिड एरिया में ग्रो होते हैं उनको बोला जाता है एरिड फॉरेस्ट। और एरिड फॉरेस्ट के तौर पे क्या होता है, श्रब लैंड। एक्चुअली जो होता है श्रब होता है, श्रब मीन्स झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ ग्रो होती हैं, या जो पेड़ होते हैं वो कांटेदार वृक्ष जो यहाँ पर उगते हैं उनको कहा जाता है एरिड फॉरेस्ट। एरिड फॉरेस्ट में आपको पता है रेनफॉल कितना होगा, सूखा जो एरिया होगा वहाँ पर रेनफॉल कितना होगा, काफ़ी कम रेनफॉल होगा। और जो रेनफॉल होता है वो होता है लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम अगर रेनफॉल है तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट या नेचुरल वेजिटेशन ग्रो होगा उसको बोला जाएगा एरिड फॉरेस्ट। ठीक है, आपको पता ये इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा? सिंपल सी बात है, राजस्थान में, गुजरात में, एमपी का कुछ एरिया, इसके अलावा पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा का वेस्टर्न वाली साइड पे एरिड फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ठीक है, बताया था उनके बारे में। रेनफॉल, सबसे पहले बात करें अबाउट द रेनफॉल, तो रेनफॉल विल बी लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होगी वहाँ पे एरिड फॉरेस्ट पाए जाएंगे, या कटीली झाड़ियाँ या श्रब के फॉर्म में होगा, ये झाड़ियों के फॉर्म में होंगे ये। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, एग्जाम्पल देखें, ओ सॉरी, एरिड फॉरेस्ट का एग्जाम्पल देखें तो बेल, खैर, नीम। नीम ये डेसिडेस में भी आ जाता है, बहुत बार काउंट होता है, और एरिड फॉरेस्ट में भी काउंट होता है। इसके अलावा बबूल, ठीक है, बबूल के बबूल हो गया, बेर हो गया, बेल हो गया, खैर, नीम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एरिड फॉरेस्ट। इसके अलावा क्या हो सकता है, एलोवेरा हो सकता है। एलोवेरा के अलावा कौन कौन से होते हैं, और जो झाड़ीदार जो पेड़ पौधे होंगे वो सारे के सारे इसमें काउंट होंगे एरिड फॉरेस्ट में। अब ये पाया कहाँ जाएगा आपको पता है, राजस्थान के वेस्टर्न राजस्थान वाले एरिया में, गुजरात वाले रीजन में, ठीक है, इसके अलावा एमपी का कुछ ऊपर वाला हिस्सा इधर वाले रीजन में, ठीक है, इसके अलावा पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के वेस्टर्न मार्जिन पे ये एरिड फॉरेस्ट पाए जाएंगे। इसके अलावा कर्नाटका का कुछ रीजन है इधर वाला, कर्नाटका का रीजन जो कि फार फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से जो थोड़ा दूर है वहाँ पे भी थोड़ा एरिड फॉरेस्ट या एरिड ट्रीज पाए जाएंगे, सब सब फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ठीक है, दीज आर द ऑल अबाउट द लोकेशन ऑफ द एरिड फॉरेस्ट। ठीक है, कटीली झाड़ी के फॉर्म में होते हैं, और रेनफॉल कितना होता है, लेस देन 50 सेंटीमीटर होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। जो माउंटेन वाले एरिया में पाए जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा, माउंटेन फॉरेस्ट बोला जाएगा। आपको पता है माउंटेन हिमालय वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, इधर वाले एरिया में, इसके अलावा वेस्टर्न घाट वाले एरिया में जो कि जिनको सोलाज कहा जाता है, इसके अलावा ईस्टर्न घाट वाले एरिया में जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे थोड़े से, ये माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। इसके अंदर इसके अलावा विंध्याचल, सतपुड़ा, इनके आसपास भी थोड़ा बहुत जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी क्या कहलाता है, माउंटेन फॉरेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो माउंटेन फॉरेस्ट जो कि माउंटेन रेंज के नीचे पाया जाएगा, माउंटेन के नीचे पाया जाएगा, पिडमेंट जोन के नीचे, ठीक है, उसको बोला जाएगा माउंटेन फॉरेस्ट। जनरली जो अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड लेयर में जो डेवलप हुए हुए हैं माउंटेन फॉरेस्ट, ये डेवलप हुए हुए हैं इन द हिमाचल प्रदेश रीजन, उत्तराखंड रीजन एंड जम्मू कश्मीर रीजन। ठीक है, और ये हाइट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वेरीज करते हैं। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट, नॉर्थ फॉरेस्ट एंड साउथ इंडिया फॉरेस्ट। द नॉर्थ इंडिया फॉरेस्ट मीन्स द हिमालय, द फॉरेस्ट विच फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड नॉर्थ फॉरेस्ट। ठीक है, नॉर्थ फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट साउथ माउंटेन फॉरेस्ट, इट इज फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ द सतपुड़ा, विंध्याचल, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। दीज आर द हिल्स और द माउंटेन रेंज ऑफ द सदर्न इंडिया। ठीक है,
नाउ सबसे पहले बात करें द नॉर्थ नॉर्थ माउंटेन फॉरेस्ट की, तो उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, द टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट इन द फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन डिपेंड ऑन द प्रेसिपिटेशन और द रेनफॉल। अब आपको पता है जैसे जैसे वी विल मूव टूवर्ड्स द अपर एरिया, हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं, आपको पता है फुटहिल्स में सबसे ज़्यादा बारिश होएगी, और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो जब प्रेसिपिटेशन और द रेनफॉल है उसका अमाउंट क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे विल मूव फॉर अपवर्ड तो जो मॉइस्चर है ये मॉइस्चर ख़त्म होता जाता है और बारिश का क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और लगभग 4000 से अबव हम लोग जाने पर 4000 से अबव जाते हैं तो पूरा मॉइस्चर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो वेरी करते हैं जो फॉरेस्ट है माउंटेन पे वो वेरीज करते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइट। हम लोग यहाँ पे देखें नॉर्थ फॉरेस्ट में, तो यहाँ पे हिमालय के फुटहिल्स में दो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो सबसे पहले जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे फुटहिल्स के आसपास, मतलब फुटहिल्स के नीचे जो प्लेन एरिया होगा और जो तराई एरिया होगा उसमें जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे डेसीडस टाइप के फॉरेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था हिमालय के फुटहिल्स में वेट डेसीडस फॉरेस्ट पाए जाएंगे, उससे आप और दूर जाएंगे जहाँ पे रेनफॉल क्या होगी और कम हो जाएगी, तो वहाँ पे फॉरेस्ट कैसे होंगे, ड्राई डेसीडस होंगे। तो सबसे नीचे वाले एरिया में वेट डेसीडस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। आफ्टर दैट जो थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे हम लोग फुटहिल्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल टाइप के फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ठीक है। नाउ इससे ऊपर की तरफ मूव करें तो ये कैसे फॉरेस्ट पाए जाएंगे, टेम्परेट टाइप का फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। ग्रासेस होंगे और उसके साथ में स्कैटर्ड ट्रीज होंगे, उनको टेम्परेट फॉरेस्ट बोला जाता है, जैसा कि यूरोप में पाए जाते हैं जनरली। नाउ वी विल उससे भी और ऊपर जाएं तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे कैसे पाए जाएंगे, एल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, जिनको शंकुधारी वन भी कहा जाता है, ठीक है। और जो सबसे ऊपर जाएंगे लगभग 4000 मीटर से ऊपर, तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको क्या मिलेंगी, छोटी छोटी ग्रास मिलेंगी, छोटे छोटे फ्लावर मिलेंगे, और क्या मिलेगा आपको, मोसेस एंड लाइकन मिलेंगे। तो दीज आर द वेरिएशन ऑफ द ट्रीज अकॉर्डिंग टू द हाइट व्हेन वी विल मूव अपवर्ड, ठीक है। फुटहिल्स में डेसीडस फॉरेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर जाओगे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो कि शंकुधारी होते हैं, इनका ऊपर से तीखे होते हैं ये, और ऊपर जाएंगे तो और इस तरह के फॉरेस्ट मिलेंगे। अब जब सबसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन पाया जाता है, टुंड्रा मोसेस मतलब मोसेस एंड लाइकन, यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होगा, हल्के छोटे फ्लावरिंग प्लांट होंगे और छोटे मोटे प्लांट यहाँ पर पाए जाएंगे। तो हिमालय में ये इस तरह के फॉरेस्ट हिमालय में पाए जाएंगे, ठीक है। अब आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द माउंट हिमालयन फॉरेस्ट। हिमालयन फॉरेस्ट की बात करें तो हाइट के अकॉर्डिंग ये वेरीज करते हैं, द टाइप्स ऑफ द ट्रीज अकॉर्डिंग टू द हाइट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हाइट टाइप ऑफ द ट्रीज क्या करता है, वेरीज करता है। जैसे 1000 से 2000 मीटर ऊपर जाने पर आपको कौन से वाले ट्रीज यहाँ पे मिलेंगे, ओक एंड चेस्टनट। जनरली कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे, ओक मिलेगा एंड चेस्टनट मिलेगा। अब ये जो फॉरेस्ट है ओक एंड चेस्टनट, ये आपको पता है हिमालय हिमालय इंडिया में ही हिमालय देखें तो हिमालय आपको पता है कहाँ तक फैला हुआ है, हिमालय इधर और ये अरुणाचल प्रदेश इधर की तरफ फैला हुआ है। तो ये जो ओक एंड चेस्टनट वाले फॉरेस्ट हैं फुटहिल्स ऑफ द हिमालय में, कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, इसके अलावा सिक्किम वाले एरिया में और वेस्ट बंगाल के फुटहिल्स में, और इधर आसाम से ऊपर आसाम वाले एरिया और अरुणाचल वाले एरिया में ये पाए जाएंगे ओक एंड चेस्टनट। कॉमर्शियली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीज, ओक एंड चेस्टनट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं क्योंकि ये फर्नीचर में काम आते हैं, जनरली फर्नीचर बनाने के काम आते हैं ओक एंड चेस्टनट। ऊपर उसके ऊपर जाएं 1700 से 1750 मीटर पे जाएं तो यहाँ पे ट्रीज पाए जाएंगे पाइन, चीर पाइन, देवदार एंड वॉलनट, ये वाले ट्रीज यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है ठीक है। अब देवदार एंड वॉलनट पाए जाएंगे, उसके ऊपर 2200 से 3000 मीटर पे पाए जाएं जो कोनी फॉरेस्ट फॉरेस्ट भी कहलाते हैं ये, इस साइड वाले फॉरेस्ट क्या पाएंगे, कोनी फॉरेस्ट फॉरेस्ट कोनीफेरस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, दिस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड कोनीफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करें इस हाइट पे 2200 से 3000 मीटर की हाइट पे, तो यहाँ पे जो ट्रीज पाए जाते हैं ब्लू पाइन एंड स्प्राउस, ये फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाएंगे, ब्लू पाइन एंड स्प्राउस वाले ट्रीज, ठीक है, स्प्राउस वाले ट्रीज यहाँ पे पाए जाएंगे 2200 से 3000 मीटर पे। आफ्टर दैट 3000 से 4000 मीटर पे यहाँ पे पाए जाएंगे सिल्वर फर्स, ये वाले जो फॉरेस्ट कहलाते हैं ये कहलाते हैं एल्पाइन फॉरेस्ट, ओके, जूनिफर्स, बिर्च एंड रोडोडेंड्रन,
ये वाले ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं बिटवीन 3,000 to 4,000 meter ऑफ हाइट, ठीक है। सिल्वर फर्स, जूनिफर्स, बिर्च एंड रोडेंडोरन, ठीक है, ये फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं सबसे ऊपर। और इसके ऊपर जाएं मोर देन 4,000 meter, 4,000 meter के ऊपर जाने पर आपको ट्रीज नहीं मिलेंगे, वहाँ पे वेजिटेशन कवर नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे छोटे मोटे फ्लावरिंग प्लांट, ग्रासेस और पाए जाएंगे मोजेज एंड लाइकन, ठीक है। कवक और सेवाल यहाँ पे आपको मिलेंगे, मोजेज एंड लाइकन। तो दीज आर द ट्री इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, ठीक है। अब नॉर्थ वाले ट्रीज की बात की तो ये सारे ट्रीज नॉर्थ में पाए जाएंगे, जैसे कि पिछले साल 2 साल पहले IAS में पूछा गया था रोडेंडोरन, ये ट्रीज कौन सा वाला, दिस विच टाइप ऑफ ट्रीज इज रोडेंडोरन, तो आंसर क्या होगा, माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये माउंटेन फॉरेस्ट होता है रोडेंडोरन, ठीक है। आफ्टर ये सारा का सारा मैंने बता दिया। अब ये हाइट के अकॉर्डिंग वेरीज करते हैं ट्रीज, ठीक है, क्योंकि आपको पता है नीचे बारिश ज्यादा होगी और ऊपर जाते हैं तो बारिश क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसा आप लोग मैप पे भी समझ सकते हो, वर्ल्ड के मैप पे आप लोग जैसे जैसे लैटिट्यूड पे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं उसी तरह से ये वेरिएशन, इसी तरह का वेरिएशन वहां पे भी आता है। जैसे वर्ल्ड का मैप है, आप इसमें ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपको पता है इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, आप इससे ऊपर जाएंगे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाएंगे, आप इससे ऊपर टेम्परेट वाले रीजन में जाएंगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाएंगे। आफ्टर दैट आपको कॉनिफेरस एंड एल्पाइन फॉरेस्ट मिलेगा, और उसके ऊपर आप जाएंगे जैसे कि आर्कटिक सर्किल और एंटार्कटिक सर्किल के पास वाले एरिया में, तो वहां पे आके आपको फॉरेस्ट जो होंगे वो नहीं मिलेगा, फॉरेस्ट कवर आपको पाया नहीं जाएगा। और आप वहां पे क्या देखने को मिलेगा, छोटे फ्लावरिंग प्लांट मिल सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट के बाद आपको पता है मोजेस एंड लाइकन, कवक और सेवाल आपको मिलेंगे वहां पर, ठीक है। तो दीज आर द फॉरेस्ट फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय और अकॉर्डिंग टू द हाइट, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द हाइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द साउथ फॉरेस्ट। इंडिया में साउथ माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो आपको पता है साउथ में इंडिया की पर्वत श्रृंखला, साउथ में पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी है, तो आपको पता है साउथ में जो पर्वत श्रृंखला है सबसे पहले विंध्याचल से स्टार्ट होती है, विंध्याचल के बाद इधर सतपुड़ा, फिर आपको पता है इधर वाले एरिया में कौन सी, ये वेस्टर्न घाट, और उसके बाद इधर वाले एरिया में ये ईस्टर्न घाट, ठीक है। और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलता है वो वाली जो वो वाली माउंटेन रेंज क्या कहलाती है, हिल्स क्या कहलाती है, नीलगिरी हिल्स कहलाती हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करें साउथ ट्रीज की, साउथ ट्रीज में कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, ठीक है, और कितनी हाइट पे कैसे ट्रीज मिलते हैं। जनरली जो साउथ के जो ट्रीज हैं, ठीक है, जनरली जो साउथ के ट्रीज हैं वो टेम्परेट वाले टाइप्स के हैं, 1500 meter से ऊपर की ऊंचाई पे ट्रीज पाए जाते हैं साउथ वाले, क्योंकि आपको बताया द माउंटेन रेंज ऑफ द साउथ, साउथ की जो माउंटेन रेंज है वेस्टर्न घाट हुआ, ईस्टर्न घाट हुआ, सतपुड़ा हुआ, विंध्याचल हुई, ये ज़्यादा ऊंची नहीं है, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो ट्रीज पाए जाएंगे एल्पाइन टाइप के नहीं पाए जाएंगे, एल्पाइन कोनीफेरस ऐसे फॉरेस्ट नहीं पाए जाएंगे। जनरली यहाँ पे कौन से पाए जाएंगे, टेम्परेट या कौन से सब ट्रॉपिकल वाले फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है, इन द साउथ एरिया। और साउथ एरिया में जो ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है, साउथ एरिया में वेस्टर्न घाट पे पाए जाएंगे जनरली, और ईस्टर्न घाट इस वाले एरिया में पाए जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो साउथ में जो ट्रीज पाए जाते हैं जनरली नीलगिरी में, ठीक है, नीलगिरी में, अन्नामलाई में, और पलानी, पलानी हिल्स में, इन जो हिल्स में नीलगिरी, अन्नामलाई और पनाली पलानी हिल्स, इसमें कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, जो फॉरेस्ट इसमें मिलते हैं उनको बोला जाता है सोलाज, ठीक है, इनके जो फॉरेस्ट टाइप्स हैं उनको बोला जाता है सोलाज फॉरेस्ट, ठीक है, सोलाज ट्रीज इनको कहा जाता है। उसके बाद बात करें सतपुड़ा, विंध्याचल, सतपुड़ा और ईस्टर्न घाट, तो इधर जनरली जो ट्रीज मिलते हैं कौन से होंगे, सब ट्रॉपिकल ट्रीज होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साउथ में जो नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी, इनकी हिल्स में जो ट्रीज मिलते हैं उनको बोला जाता है सोलाज ट्रीज, ठीक है। अब उसके बाद बात करें कि और कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं यहाँ पर, तो जनरली जो वेस्टर्न घाट में जो ट्रीज मिलते हैं, वेस्टर्न घाट में जो ट्रीज मिलेंगे वो मिलेंगे लोरियल, ठीक है, सिनकोना, वेटल, ठीक है, लोरियल, सिनकोना एंड वेटल, तो ये वाले ट्रीज कहां पे मिलेंगे, वेस्टर्न घाट की रेंज में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दीज आर द ट्रीज ऑफ द साउथ इंडिया, ठीक है, ये साउथ इंडिया के ट्रीज हैं। जनरली
सब ट्रॉपिकल वाले जो जनरल ट्रीज होते हैं वही आपको मिल जाएंगे, और जो नीलगिरी अन्नामलाई और पलानी वाली जो हिल्स हैं इनकी ट्रीज को सोलाज कहा जाता है। और वेस्टर्न घाट में कुछ ट्रीज मिलते हैं जो कि मेडिसिनल भी इनका काफ़ी हो, जैसे सिंकोना है, लोरियल है, वेटल्स हैं। ठीक है, ये ट्रीज कहाँ पे मिलते हैं? वेस्टर्न घाट के हिल्स पे मिलते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट द माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट में मैंने बताया द माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। ठीक है, नॉर्थ माउंटेन फॉरेस्ट एंड द साउथ माउंटेन फॉरेस्ट। नॉर्थ माउंटेन फॉरेस्ट जो ट्रीज हैं वो वेरीज करते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइट, क्योंकि आपको बताया जो नॉर्थ वाला जो माउंटेन है हिमालय, ठीक है, वो उसकी हाइट क्या है, ज़्यादा है, जबकि साउथ वाले जो माउंटेन है इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है। तो आपको पता है सबसे नीचे आपको जैसे जैसे विल मूव अपवर्ड, वैसे वैसे बारिश कम होगी तो ट्रीज भी वेरीज करेंगे। ठीक है, ये मैंने बता दिया। इसके बाद इनके ट्रीज के टाइप बता दिया अकॉर्डिंग टू द हाइट, मैंने इनकी ट्रीज के टाइप बता दिया। ठीक है, अब माउंटेन फॉरेस्ट के बाद मैंने आपको साउथ माउंटेन फॉरेस्ट मैंने बता दिया। यहाँ पर सोलास ट्रीज मिलते हैं, इसके अलावा कुछ मेडिसिनल यूज़ वाले ट्रीज मिलते हैं, लोरियल, सिंकोना एंड वेटल भी आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो 3000 से 4000 की मीटर की हाइट पे जो ट्रीज पाए जाते हैं थे हिमालय में, ठीक है, जिनको बोला जाता है एल्पाइन फॉरेस्ट जिनको बोला जाता है। यहाँ पे कुछ ग्रासेस भी मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रास लैंड या पार्क लैंड भी है जहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं, नोमेडिक हर्डर जिनको बोला जाता है, वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो कि अपने जो लाइव स्टॉक्स हैं उनको वहाँ पे चराने के लिए ले जाते हैं, उनकी हर्डिंग यहाँ पे करते हैं ये लोग। जैसे कि यहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं, ठीक है, ट्राइब्स कौन कौन सी हैं? कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की, इन एरिया के जो कुछ ट्राइब्स हैं जैसे कि गद्दीज, भोटियाज, गद्दीज, बकरवाल एंड वन मोर ट्राइब इज देयर, गुजर्स। ठीक है, दीज आर द ट्राइब्स विच डू द परफॉर्म द नोमेडिक हर्डिंग एक्टिविटी इन द पास्चर लैंड ऑफ द एल्पाइन। ठीक है, एल्पाइन के साथ में जो पास्चर लैंड है, जो ग्रासेस फील्ड है या पार्क लैंड है, उसमें लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी या लाइव स्टॉक हर्डिंग की एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, वो लोग अपनी बकरियां भेड़ों को उस जगह पे चरा के ले जाते हैं। ट्रांस ह्यूमन कम्युनिटी भी इनको बोला जाता है बिकॉज दे ट्रांसफॉर्म देयर लोकेशन अकॉर्डिंग टू द सीजन। ठीक है, ठंड में ये लोग क्या करेंगे, नीचे वाले एरिया, प्लेन वाले एरिया में आ जाएंगे, और जैसे ही गर्मी होगी तो ये लोग अपने जो इनके लाइव स्टॉक हैं इनको चराने के लिए ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो भोटियाज आपको पता है ये हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्स है और ये बहुत फेमस है फॉर द ट्रेड एक्टिविटी के लिए। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ट्रेड एक्टिविटी, चाइना के साथ ट्रेड एक्टिविटी के लिए फेमस है भोटियाज। और गद्दी, बकरवाल एंड गुजर, ये जम्मू कश्मीर की ट्राइब्स हैं। ठीक है, इनको ट्रांसह्यूमन ट्राइब्स भी कहा जाता है, जो इनको ये ग्रासलैंड होते हैं। ठीक है, ग्रासलैंड पैचेस या पार्कलैंड जो होते हैं इनको बोला जाता है बुग्याल्स। ठीक है, उनको बोला जाता है बुग्याल्स, जहाँ पे लाइव स्टॉक हर्डिंग एक्टिविटी करते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट द माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ एंड द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा फॉरेस्ट कवर की भी मैं बात करूंगा। आपकी बुक में 2011 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है फॉरेस्ट कवर। ठीक है, ये आपको 2011 के अकॉर्डिंग और 2019-20 जो कि लेटेस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट इज़ द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया एंड एक्चुअल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन की। ठीक है, थैंक यू सो मच।